हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम करेंगे, ये एग्जांपल है एक्सेस आपके क्लास 10 एनसीईआरटी का, जिसमें आपको शो करना है 5 माइनस रूट थ्री इज इरेशनल। तो ऑलरेडी रूट थ्री और रूट थ्री को कैसे इरेशनल प्रूफ करना है उसकी वीडियो में बना चुकी हूँ। अब हम नेक्स्ट हम करेंगे 5 माइनस रूट थ्री को कैसे, यानी कि किसी भी इरेशनल नंबर में कोई भी नंबर इस तरीके से सब्ट्रैक्ट हो रहा है रैशनल नंबर, तो वो पूरा भी आपका इरेशनल माना जाता है। सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि ये इरेशनल है भी या नहीं। आप देखिए यहाँ पे 5 आपका एक रैशनल नंबर है, रूट थ्री आपका इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर जिससे भी माइनस से सब्ट्रैक्ट हो रहा होता है वो पूरा ही इरेशनल होता है। तो हमें ये ऑलरेडी पता है कि ये इरेशनल है, अब इसको प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए हम हमेशा कंट्राडक्शन वाला मेथड यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको इसमें लिखेंगे, हम इस पूरे को रैशनल प्रूफ करेंगे। लेट 5 माइनस रूट थ्री इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। अगर 5 माइनस रूट थ्री आपका रैशनल नंबर है तो उसको a अपॉन b का फॉर्म दे सकते हैं, जहां पे आपके पास b इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, b आपका जीरो नहीं होगा। एंड ऑल्सो हमें पता होता है कि a एंड b आर एक ऐसे इंटीजर्स होते हैं जो कि को प्राइम होते हैं। a एंड b आर को प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ पे देखो इसको कैसे प्रूफ करना है, इसको हम रूट टू और रूट थ्री की तरह प्रूफ नहीं करेंगे, ये डायरेक्टली ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे मेन हमारे पास इस पूरे को इरेशनल जो बना रहा है, ये पूरा इरेशनल ये तो हम जानते हैं, पर हम इसको रैशनल लेके जा को प्रूफ कर रहे हैं। तो इस पूरे नंबर में आपका इस रूट थ्री से ही इसकी इरेशनैलिटी है, ठीक है, ये इरेशनल रूट थ्री के कारण ही है। तो रूट थ्री को यहीं पे रखते हैं, 5 को शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखिए रूट थ्री को हम ले लेते हैं राइट हैंड साइड, क्योंकि ये नेगेटिव है तो उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, और ए माइनस बी को हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, हमने ऐसे कर लिया। अब आपने देखा कि ये ऐसे आया, अब चाहे तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं बी। तो बी अगर एलसीएम लेंगे तो 1 का बी में बी टाइम जाएगा, तो ऊपर 5 बी हो जाएगा, और बी का बी में 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा, बी बी से डिवाइड 1 टाइम होता है तो ऊपर ए आ जाएगा। तो रूट थ्री की जो वैल्यू आई है वो क्या आ गई, 5 बी माइनस ए अपॉन बी। तो आपने देखा कि यहाँ पे ए, ये जो ए है और बी है, ये कैसे नंबर से आपके रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर यानी कि रैशनल में को प्राइम टाइप के नंबर है। तो अगर आप इनको सॉल्व करते हो, इस पोर्शन को अगर पूरा सॉल्व करते हो लेफ्ट साइड को, तो आपको अगेन रैशनल नंबर ही मिलेगा। तो अगर आपको रैशनल नंबर ही मिलेगा तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए और बी आपके इंटीजर है ना, और 5b माइनस ए अपॉन बी इज अ, आप लिखेंगे इज अ रैशनल नंबर। कैसे है ये रैशनल नंबर, क्योंकि ए और बी आपका रैशनल है। तो ये जो फॉर्म कर रहा है यहाँ पे कि 5b में माइनस ए कुछ होगा, या b और a भी तो आपके कोई इंटीजर ही है ना, कोई इंटीजर ही होगा यहाँ पर, तो अगर वो वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो ये हमें रैशनल ही नंबर देगा। तो ये पूरा एक रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है तो ये रैशनल नंबर इस रूट थ्री के बराबर हुआ, रूट थ्री के बराबर है। ऊपर आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा रैशनल नंबर हमने रूट थ्री के बराबर इस इक्वेशन में, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में लिखा हुआ है। तो 5b माइनस ए इक्वल्स टू इज अ रैशनल नंबर, इट मीन्स देयरफॉर ये अगर रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर इक्वल्स टू आपका हो गया रूट थ्री। तो क्या रूट थ्री कभी किसी रैशनल नंबर के बराबर हो सकता है, ये चीज तो पॉसिबल नहीं है। तो यहां पे से आपका कंक्लूजन निकला कि अगर ये रैशनल है तो रूट थ्री इज ऑल्सो अ रैशनल, रूट थ्री इज अ रैशनल नंबर। देखो रूट थ्री इक्वल्स टू रैशनल नंबर आ गया। तो दिस इज कंट्राडिक्ट, दिस इज कंट्राडिक्ट्स दैट रूट थ्री इज इरेशनल, ठीक है। सो दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन, दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन, दिस कंट्राडिक्शन इस कंट्राडिक्शन ने क्या आपका फाइंड आउट करा, हैज अराइजन दैट अवर इनिशियल अजम्पशन रॉन्ग। सो अगर रूट थ्री आपका इरेशनल है तो रूट थ्री में आप कोई भी नंबर, रूट थ्री को किसी भी नंबर से सब्ट्रैक्ट करिए। सो 5 माइनस रूट थ्री इज इरेशनल नंबर,
ठीक है। अगर रूट थ्री आपका इरेशनल हो गया तो 5 माइनस रूट थ्री भी आपका इरेशनल होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसमें जो 10th क्लास में जो आपकी एक्सरसाइज 1.2 है न्यू एडिशन के अकॉर्डिंग, और इन द ओल्ड एडिशन बुक में आपकी एक्सरसाइज 1.3 है उसके क्वेश्चन। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिलते रहे। क्लास 10th से रिलेटेड मैंने स्टैटिक्स की एंड प्रोबेबिलिटी की वीडियोस बनाई है, आप चाहे तो पूरा उसमें एनसीईआरटी का कोर्स मैंने करवा रखा है, वहां से जाके आप वो चैप्टर्स भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।